हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में बहुत ऐसी वनस्पतियां और जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रयोग करके हम अनेकों बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वज हमारे आयुर्वेदाचार्य इन्हीं जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का प्रयोग करके अनेक असाध्य रोगों का इलाज किया करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो वनस्पति हम आपको दिखा रहे हैं, अक्सर आपने इसे देखा होगा। सभी लोग अपनी बालकनी और अपने घर के सामने इसे सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं। 12 महीने हरी भरी दिखने वाली यह वनस्पति है और सीधे सीधे इसका पौधा होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, हमेशा हरा भरा रहता है। दोस्तों, इसका नाम है नागदोन। इसे कहीं कहीं नागदमन के नाम से या कहीं कहीं इसे नागदमनी बोला जाता है। आपके यहाँ इस नागदोन को किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों, इस नागदोन के प्रयोग से आप जो है कितना हो पुराना से पुराना बवासीर है उससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग करके आप दांत खाज खुजली से छुटकारा पा सकते हैं। इस नागदोन का प्रयोग करके अगर आपके शरीर में कहीं गांठ हो गया है तो उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी अंग में कहीं घाव हो गया है, ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा है, या पुराना घाव है ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से इस नागदोन का प्रयोग आप किस तरीके से करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम है तो इस नागदोन की पत्तियों को या टहनियों को कहीं से तोड़ेंगे, वहाँ से दूध निकलता है। इस दूध को अपनी दांत खाज खुजली पर लगाइए, आपका दांत खाज खुजली 2 दिन के अंदर ही दूर कर देगा। दोस्तों, इतना फ़ायदेमंद होता है यह जो नागदोन का दूध होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में किसी अंग पर गांठ बन गया है तो इसकी कोमल कोमल पत्तियों को, 4-5 पत्तियों को लाइए, घी लगा करके इसे तवा पर गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद दोस्तों, इसे अपने गांठ वाले स्थान पर बांधिए और बांध कर ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर 4 से 5 दिन तक इस पत्तियों को अगर अपने गांठ पर बांधते हैं तो आपका गांठ धीरे धीरे पिघल करके समाप्त हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, चलने फिरने में आपको दिक्कत होती है, तो आप क्या करें, इस नागदोन की पत्तियों को जैसे मैंने बताया, आप लीजिए 4-5 पत्तियों को और घी लगाकर तवा पर सेक लीजिए और गर्मा गर्म अपने घुटनों के ऊपर रख कर के बांधिए साफ कपड़े से। रात भर ऐसे ही रहने दीजिए, सुबह में छोड़िए। यह प्रक्रिया आपको 15 दिन तक करना रहेगा। अगर 15 दिन तक अपने घुटनों पर इसको बांधते हैं तो आपको निश्चित रूप से घुटनों के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इतना फ़ायदेमंद होता है ये पत्ता नागदोन का। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपको पुराना से पुराना बवासीर हो गया है, बवासीर से आप तंग आ चुके हैं, आपका खाना पीना मुश्किल हो गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये नागदोन की पत्तियां बवासीर के लिए रामबाण की तरह से काम करती हैं। मात्र 2 पत्तियां आप लीजिए, इसे पीस करके अच्छा सा इसका पेस्ट बनाइए, एकदम बारीक पेस्ट बनाइए, और 2 पीस काली मिर्च मात्र इसमें पीस लीजिए। हल्का सा काला नमक मिक्स करके सुबह में 1 गिलास छाछ में मिला करके सेवन कीजिए। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ, 1 सप्ताह के अंदर ही आपका बवासीर जो है वह जड़ से समाप्त हो जाएगा। चाहे खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर, दोनों में यह लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, अगर बादी बवासीर के मस्से ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ पर इसके दूध को आप लगा सकते हैं, इससे मस्से नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो लाभकारी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 1 लाख लाइक तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करिए और कोशिश कीजिए। हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करते हैं और 1 लाख लाइक तक पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर हमेशा ईश्वर की कामना हम करते रहेंगे, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की हमेशा कामना करते हैं ईश्वर से कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। दोस्तों।